एक जमात आपके साथ हो गई थी। वो ये समझते थे कूफा में खूब आराम करेंगे। आप उनकी हकीकत से खूब वाकिफ थे। सब लोगों को जमा करके खुतबा दिया, ए लोगों, हमें नहायत दहशतनाक खबरें पहुंची हैं। मुस्लिम बिन अकील, हानी बिन अरवा और अब्दुल्ला बिन बख्तर कत्ल कर डाले गए। हमारे तरफदारों ने बेवफाई की। कूफा में हमारा कोई मददगार नहीं। जो हमारा साथ छोड़ना चाहे छोड़ दे, हम हरगिज खफा ना होंगे। ये सुनकर भीड़ दाएं बाएं कटना शुरू हो गई। थोड़ी देर बाद आपके गिर्द वही आदमी रह गए जो मक्का से आपके साथ चले थे। कासिया से जो ही आगे बढ़े, उबैदुल्ला बिन ज़ियाद वाली इराक के आमिल की तरफ से हुर बिन यजीद 1000 फौज के साथ नमुदार हुआ और साथ हो लिया। उसे हुक्म मिला था कि हजरत हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु के साथ बराबर लगा रहे और उस वक्त तक पीछा ना छोड़े जब तक उन्हें उबैदुल्ला बिन ज़ियाद के रूबरू ना ले जाए। इसी असना में नमाज ज़ोहर का वक्त आ गया। आप तहबंद बांधे, चादर ओढ़े, नालैन पहने तशरीफ़ लाए और हमद नात के बाद अपने साथियों और हुर के सिपाहियों के सामने खुतबा दिया। आपने कहा, ए लोगों, खुदा के सामने और तुम्हारे सामने मेरा ये उज़र है कि मैं अपनी तरफ से यहाँ नहीं आया हूँ। मेरे पास तुम्हारे खतूत पहुँचे, कासिद आए, मुझे बार बार दावत दी गई कि हमारा कोई इमाम नहीं, आप आइए ताकि खुदा हमें आपके हाथ पर जमा कर दे। अगर अब भी तुम्हारी ये हालत है तो मैं आ गया हूँ। अगर मुझे अहद पैमान करने के लिए हो जिन पर मैं मुतमईन हो जाऊँ तो मैं तुम्हारे शहर चलने को तैयार हूँ, और अगर ऐसा नहीं है बल्कि तुम मेरी आमद से नाखुश हो तो मैं वहीं वापस चला जाऊँगा जहाँ से आया हूँ। दुश्मनों ने आपके पीछे नमाज पढ़ी, किसी ने कोई जवाब ना दिया। देर तक खामोश रहने के बाद लोग मौज़न से कहने लगे, अकामत पुकारो। हजरत हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु ने हुर बिन यजीद से कहा, क्या तुम अलहदा नमाज पढ़ोगे? उसने कहा, नहीं, आप इमामत करें, हम आप ही के पीछे नमाज पढ़ेंगे। वहीं असर की भी नमाज पढ़ी। दोस्त दुश्मन सब मुक्तदी थे। नमाज के बाद आपने फिर खुतबा दिया, ए लोगो, अगर तुम तकवा पर रहो और हकदार का हक पहचानो तो खुदा की खुशनुदी का मौजिब होगा। हम अहले बैत इन मुद्दियों से ज़्यादा हुकूमत के हकदार हैं। इन लोगों को कोई हक नहीं पहुँचता, ये तुम पर जुल्म और सितम से हुकूमत करते हैं। लेकिन अगर तुम हमें नापसंद करो, हमारा फ़र्ज पहचानो और तुम्हारी राय अब इसके खिलाफ हो गई हो जो तुमने मुझे अपने खतों में लिखी और कासिदों की ज़बानी पहुँचाई थी, तो मैं वापस चले जाने के लिए बाखुशी तैयार हूँ। इस पर हुर ने कहा, आप किन खतूत का जिक्र करते हो? हमें ऐसे खतों का कोई इल्म नहीं। आपने अकबा बिन समान को हुक्म दिया कि वो दोनों थैले निकाल लाए जिनमें कूफा वालों के खतूत भरे हैं। अकबा ने थैले उंडेल दिए और खतों का ढेर लगा दिया। उस पर हुर ने कहा, लेकिन हम वो नहीं हैं जिन्होंने ये खतूत लिखे थे। हमें तो ये हुक्म मिला है कि आपको उबैदुल्ला बिन ज़ियाद तक पहुँचा के छोड़े। हज़रत इमाम हुसैन ने फरमाया, लेकिन ये मौत से पहले नामुमकिन है। फिर आपने रवानगी का हुक्म दिया, लेकिन मुखालिफीन ने रास्ता रोक लिया। आपने खफा होकर हुर से कहा, तेरी माँ तुझे रोए, तू क्या चाहता है? हुर ने जवाब दिया, वल्लाह, अगर आपके सिवा कोई और अरब मेरी माँ का नाम ज़बान पर लाता तो मैं उसे बता देता, लेकिन आपकी माँ का जिक्र मेरी ज़बान पर बुराई के साथ नहीं आ सकता। आपने फरमाया, फिर तुम क्या चाहते हो? उसने कहा, मैं आपको उबैदुल्ला बिन ज़ियाद के पास ले जाना चाहता हूँ। आपने फरमाया, तो वल्लाह मैं तुम्हारे साथ नहीं चलूँगा। उसने कहा, मैं भी आपका पीछा नहीं छोड़ूंगा। जब गुफ्तगू ज़्यादा बढ़ी तो हुर ने कहा, मुझे आपसे लड़ने का हुक्म नहीं मिला है, मुझे सिर्फ ये हुक्म मिला है कि आपका साथ ना छोड़ूं, यहाँ तक कि आपको कूफा पहुँचा दूं। अगर आप इसे मंजूर नहीं करते तो ऐसा रास्ता इख्तियार कीजिए जो ना कूफा जाता हो ना मदीना। मैं इब्न ज़ियाद को लिखता हूँ,
आप अगर पसंद करें तो खुद भी यजीद या उबैदुल्ला को लिखिए, शायद खुदा मेरे लिए मुखलिसी की कोई सूरत पैदा कर दे और आपके मामले में इम्तिहान से बच जाऊँ। ये बात आपने मंजूर कर ली और रवाना हुए। रास्ते में कई और मकामात पर भी आपने दोस्तों और दुश्मनों को मुखातिब किया। मकाम बैज़ा पर आपने खुतबा दिया, ए लोगों, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जो कोई ऐसे हाकिम को देखे जो जुल्म करता है, खुदा की कायम की हुई हदें तोड़ता है, अहदे इलाही शिकस्त करता है, सुन्नत नबी की मुखालफत करता है, खुदा के बंदों पर गुनाह और सरकशी से हुकूमत करता है और देखने पर भी ना तो अपने फेल से उसकी मुखालफत करता है और ना अपने कौल से, सो खुदा ऐसे आदमी को अच्छा ठिकाना नहीं बख्शेंगा। देखो ये लोग शैतान के पैरू बन गए हैं, रहमान से सरकश हो गए हैं, फसाद जाहिर है, हुदूद इलाही मौतिल है, मालिक गनीमत पर नाजायज कब्जा है, खुदा के हराम को हलाल और हलाल को हराम ठहराया जा रहा है। मैं उनकी सरकशी को हक व अदल से बदल देने का सबसे ज्यादा हकदार हूँ। तुम्हारे बेशुमार खतूत कासिद मेरे पास पयाम बैत लेकर पहुँचे, तुम अहद कर चुके हो कि ना तो तुम मुझसे बेवफाई करोगे ना मुझे दुश्मनों के हवाले करोगे। अगर तुम अपनी बैत पर कायम रहो तो ये तुम्हारे लिए राह हिदायत है, क्योंकि मैं हुसैन इब्ने अली इब्ने फातिमा रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नवासा हूँ। मेरी जान तुम्हारी जान के साथ है, मेरे बाल बच्चे तुम्हारे बाल बच्चों के साथ हैं, मुझे अपना नमूना बनाओ और मुझसे गर्दन ना मोड़ो। लेकिन अगर तुम ये ना करो बल्कि अपना अहद तोड़ दो, अपनी गर्दन से बैत का हल्का निकाल फेंको, तो ये भी तुमसे बईद नहीं। तुम मेरे बाप भाई और अमजाद मुस्लिम से ऐसा ही कर चुके हो, वो फरेब खुदा है जो तुम पर भरोसा करे। लेकिन याद रखो तुमने अपना ही नुकसान किया है और अब भी अपना ही नुकसान करोगे। तुमने अपना ही हिस्सा खो दिया, अपनी किस्मत बिगाड़ दी। जो बदअहदी करेगा खुद अपने खिलाफ बदअहदी करेगा। अजब नहीं जरा अनकरीब मुझे तुमसे बेनियाज कर दे। एक दूसरी जगह यूं तकरीर फरमाई, मामले की जो सूरत हो गई है तुम देख रहे हो, दुनिया ने अपना रंग बदल दिया, मुंह फेर लिया, नेकी से खाली हो गई, जरा सी तिलछट बाकी है, हकीर से जिंदगी रह गई है, हुलनाकी ने अहाता कर लिया है, अफसोस देखते नहीं हक पसे पश्त डाल दिया गया है, बातिल पर अलानिया अमल किया जा रहा है, कोई नहीं जो उसका हाथ पकड़े। वक्त आ गया है मोमिन हक की राह में बकाए इलाही की ख्वाहिश करे। लेकिन मैं शहादत ही की मौत चाहता हूँ, जालिमों के साथ जिंदा रहना बजाय खुद एक जुर्म है। ये खुतबा सुनकर जहीर बिन यकीन अल बिजली ने खड़े होकर लोगों से कहा, तुम लोग बोलोगे या नहीं? सब ने कहा, तुम बोलो। जहीर ने तकरीर की, ए फरजंदे रसूल, खुदा आपके साथ हो, हमने आपकी तकरीर सुनी, वल्लाह अगर दुनिया हमारे लिए हमेशा बाकी रहने वाली हो और हम सदा इसमें रहने वाले हो, जब भी आपकी हिमायत व नुसरत के लिए उसकी जुदाई गवारा कर लेंगे और हमेशा की जिंदगी पर आपके साथ मर जाने को तरजीह देंगे। हुर बिन यजीद आपके साथ बराबर चला रहा था, बार बार कहता था, ए हुसैन, अपने मामले में खुदा को याद कीजिए, मैं गवाही देता हूँ कि अगर आप जंग करेंगे तो जरूर कत्ल कर डाले जाएंगे। एक मर्तबा आपने गजबनाक होकर फरमाया, तू मुझे मौत से डराता है? कि तुम्हारी शकावत इस हद तक पहुँच जाएंगी कि मुझे कत्ल कर दोगे? समझ में नहीं आता तुझे क्या जवाब दूँ, लेकिन मैं वही कहूँगा जो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी ने जिहाद पर जाते हुए अपने भाई की धमकी सुनकर कहा था, मैं रवाना होता हूँ, मर्द के लिए मौत जिल्लत नहीं है जबकि उसकी नीयत नेक हो और इस्लाम की राह में जिहाद करने वाला हो, और जब वो अपनी जान देकर सालेहीन का मददगार हो और दगाबाज जालिम हिलाक होने वाले से जुदा हो रहा हो। हम उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।